Acaba belə bir yer xeyrəmi gedir ha. Qarın balıq biləndər. अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम तुर्की। आज मैं हूँ बिल्कुल अर्मेनिया के बॉर्डर के पास, जिस सिटी में हूँ इसे कहते हैं कार्स। यहाँ से अर्मेनिया का बॉर्डर तकरीबन 40-45 मिनट की राइड पे, और आज मेरा प्लान ये कि सबसे पहले हम लोग राइड करके जाएंगे अर्मेनिया के बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे एक पुरानी अर्मेनियन सिटी एनी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो हम लोग वो विज़िट करेंगे। अब वो तुर्की का पार्ट है और उसमें रूइंस वगैरह बची हुई हैं, मॉस्क है या चर्च वगैरह उनका, तो वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग बॉर्डर के साथ साथ राइड करते जाएँगे ईरान की तरफ। रास्ते में आई थिंक हम जॉर्जिया के बॉर्डर के पास से ही गुजरेंगे और देखेंगे कि अगर वो ओपन है। अगर वो ओपन नहीं है, मेरा प्लान ये है कि मैं उधर ना ही जाऊँ, डायरेक्ट ईरान के बॉर्डर की तरफ जाऊँ। प्लान तो मेरा ये था कि मैं सीधा ईरान इंटर हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ से ईरान का बॉर्डर है तकरीबन 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक, तो मुझे लगेंगे 4-4.5 घंटे, तो मैं हो सकता है सेकेंड टाइम वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन क्योंकि रस्ते में आती है माउंट अरारत, और मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं माउंट अरारत के पास कहीं नाइट स्टे करूँ, वाइल्ड कैंपिंग करूँ, तो आज मैं वो इंशाल्लाह करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मौसम जो है वो अच्छा हो और आज का दिन भी हमारा अच्छा गुजरे, राइड फिट चले। तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, जब हम लोग दिन ख़त्म करेंगे तो उसके एंड पे मैं आपको बताऊँगा मैंने कितने किलोमीटर राइड की और बाकी जो ओवरऑल है, क्योंकि मुझे अभी सही एरिया का पता नहीं है। तो करते हैं अपनी राइड स्टार्ट। सामान मैंने अपना सारा पैक कर दिया जितना करना था और निकलते हैं यहाँ से। या अल्लाह, खैर खैरियत से आज का दिन भी गुजारना। ये चेक करें, यहाँ पे कोरोना के लिए वो ऐलान कर रहे हैं बार बार कि भाई हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें। छोटा सा सिटी है, यहाँ से निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी हम लोग सिटी सेंटर में हैं, बिल्कुल होटल जो मैंने लिया था वो सिटी सेंटर के अंदर था। यहाँ पे ये था कि फिर खाने वगैरह के लिए आराम से बंदा जा सकता था बाहर। पीछे से धूप पड़ रही है तो नज़र नहीं नेविगेशन से आता किधर जाना है। आजो जी। सिटी से हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ से मुझे लगेंगे 45 मिनट के करीब ऑलमोस्ट एनी पहुँचते हुए। तो अभी हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। पेट्रोल मैंने चेक किया, हमारी टंकी जो है वो फुल है, तो फुल कराने की ज़रूरत नहीं अभी यहाँ से, क्योंकि आज आई थिंक 250 के करीब ही होगा, तो इतना तो एक टंकी में कर ही जाएगी। और अगर रास्ते से करवाना पड़ा तो रास्ते में मैंने चेक किया, 2-3 छोटे छोटे सिटी या गांव टाइप हैं, वहाँ से मिल जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं है। इसलिए अभी आराम से आगे चलते हैं। हम लोग पहुंच गए जी एनी में। ये एक छोटा सा गांव है, उससे पहले जो रूइंस वगैरह हैं वो थोड़ा सा आगे करके हैं, और अभी हम उसी की तरफ ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये देखना है कि यहाँ पे कोई आर्मी की चेक पोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, या ड्रोन उड़ाने की इजाज़त है या नहीं है, जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही आगे आर्मेनिया का बॉर्डर भी है, क्योंकि यहाँ पर डेंजरस हो सकता है भाई, आर्मी वाले हैं। ये आ गया जी सामने, और आई थिंक यहाँ पर पुलिस है, गाड़ियों से तो लग रहा है ये उनकी लग रही हैं बड़ी बड़ी, या हो सकता है टूरिस्ट हो यहाँ पे।
ऑफ रोड ये टूरिस्ट ही लग रहे हैं। ये है जी एनी सिटी की रुइंस, जो 961 से लेके 1045 के दरमियान किंगडम ऑफ आर्मेनिया का कैपिटल हुआ करता था। किंगडम ऑफ आर्मेनिया बेसिकली मौजूदा आर्मेनिया और ईस्टर तुर्की इसको मिला के था। इस सिटी को उस दौर की अपने रीजन की सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है। यहाँ पे तकरीबन 100,000 के करीब लोग रहते थे और अभी भी यहाँ पे, क्योंकि उसकी रुइंस थी तो मॉस्क, चर्चेज, फोर्ट और इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि अभी मैं एक एक करके वो सारे एरियाज एक्सप्लोर करता हूँ और आपको साथ साथ जो उनकी हिस्ट्री जो है वो बताता जाता हूँ। सिटी एक ट्रायंगुलर शेप में थी और इसकी लोकेशन नेचुरली ऐसी थी कि इसको दो साइडों से दरिया प्रोटेक्ट करता था और तीसरी साइड पे वैली थी। अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ इसके बिल्कुल सामने जो दरिया है ये डिवाइड कर रहा है एक्चुअली तुर्की और आर्मेनिया को। इस दरिया के उस साइड पे आर्मेनिया और इधर तुर्की है। तो एनी जो सिटी है ये टोटली तुर्की के अंदर आती है और यहाँ से तकरीबन 20 मीटर का फासला है और यहाँ पर जो बॉर्डर है बिल्कुल इसके पास है दूसरी साइड पर, वो सदियों से बंद है क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया के आपस में कोई रिलेशन अच्छे नहीं है। बहुत से आपस में जो है ना इनकी गठमट चलती रहती, ऐसे ही समझ लें जैसे पाकिस्तान और इंडिया या उससे भी थोड़ा सा वर्स है क्योंकि इनके बॉर्डर बिल्कुल बंद है। यहाँ से टूरिस्ट इंटर नहीं हो सकते। पाकिस्तान इंडिया से चलो वाघा बॉर्डर से टूरिस्ट एटलीस्ट इंटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नहीं इंटर हो सकता। मुझे नहीं पता, शायद आगे पहले किसी दौर में ये खुला होता होगा बॉर्डर, लेकिन अब तो बड़े अरसे से बंद है। अभी यहाँ पे सामने है एक फोर्ट, बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से देखते हैं कि सिटी किस तरह नज़र आती है। फोर्ट अच्छी खासी हाइट पे और यहाँ पे आते आते मत मारी कि ये इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये कि यहाँ से सिटी का व्यू अच्छा आता है या रुइंस वगैरह का। मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे दो दरियाएँ, एक दरिया का पानी तो बिल्कुल खुश्क हो गया है, वो ऐसे है जैसे अब नाला सा बना हुआ है, लेकिन वैली काफ़ी खूबसूरत है। उसके साथ एक टिपिकल आर्मेनियन चर्च है, ये इनकी बिल्डिंग होती है। अभी भी आर्मेनिया में इस तरह के चर्चेज़ हैं। पीछे जो हैं वो सिटी वॉल्स हैं, जो मेन बची हुई वॉल्स हैं रुइंस, दरमियान में कुछ घर वगैरह की रुइंस हैं, साथ में मॉस्क है जिसका आपको मीनार नज़र आ रहा होगा और पीछे आता है चर्च। ये मॉस्क बनाई थी सेल्जुक तुर्क्स ने। सेल्जुक तुर्क्स का दौर स्टार्ट होता है ऑटोमन से पहले का। जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने 25 दिन तक सिटी को घेरे में रखा और उसके बाद उनको फतह मिली। मॉस्क वगैरह यहाँ पे बिल्ड की और साथ ही उन्होंने ये सिटी बेच दी थी एक कुर्दिश सुल्तान को। कुर्दिश सुल्तान ने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को इक्वल राइट दिए और उस दौर में सिटी ने काफ़ी प्रोग्रेस की, लेकिन 12वीं सेंचुरी में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जलसला आया जिससे सारी सिटी तबाह हो गई। उस सिलसिले के बाद सिटी ने कभी रिकवर ना कर सका। आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ से जाना स्टार्ट हो गए और सिटी जो है वो रुइंस में तब्दील होना शुरू होगी। एनी से मैं अभी निकल रहा हूँ और मेरा ख्याल था कि जो इसके बॉर्डर के साथ साथ एक रोड जाती है वहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, उन्होंने मुझे उधर से तो वापस भेज दिया। तो अब दोबारा हम मेन उसी सिटी में जाएंगे कार्स में जहाँ से हमने सुबह स्टार्ट किया था और उसके साथ साथ वाली जो है हाईवे वो लेंगे। मैं आपको बताना भूल गया था कि एनी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में आता है और आर्मेनिया के लिए स्पेशली ये काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है क्योंकि उनके वो शानदार माजी या पास्ट की एक निशानी है। अभी आ गई हैं भैंसे। अनफॉर्चुनेटली आर्मेनिया और तुर्की के कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, उसके काफ़ी वजूहत हैं। एक मेन वजह तो यह है कि आर्मेनिया कहता है कि 1920s में तुर्की ने जेनोसाइड किया था, तकरीबन 1.5 लाख के करीब आर्मेनियंस को मारा था और तुर्की इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने ये किया था, लेकिन आर्मेनियन कहते हैं कि हमें पब्लिकली हमसे माफ़ी मांगी जाए और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए कि तुर्की ने ये काम किया था। तो दोनों चीज़ें इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि तुर्की ने किया था कि नहीं, इसलिए मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। बाकी ये एक चीज़ और है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ है और पाकिस्तान इसराइल और आर्मेनिया दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है वो किस लेवल तक है। इस बेस पे पाकिस्तान ने अभी तक आर्मेनिया को एक्सेप्ट नहीं किया।
यहाँ से फुल करा लेते हैं क्योंकि आगे मुझे डर है कि आगे हो सकता है ना, और साथ में रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे बैठ जाऊँगे दो चार मिनट जो बैठना है। लंच मैंने कर लिया है, मुझे नहीं पता कि उस चीज़ को कहते क्या है या नाम क्या था उसका, लेकिन ये पता था कि चिकन है और बड़े बड़े से आलू थे। पाकिस्तान में जब किसी की फौतगी हो जाए तो आप उधर जाए ना तो आपको खाने में उतने बड़े बड़े आलू से मिलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट फुल हो गया और मैं यही चाहता था। लेकिन अब मसला ये कि हमेशा जब भी मैं लंच करता हूँ उसके बाद मैं राइड करता हूँ इस गर्मी में, तो इतनी नींद आती है, बहुत मुश्किल होता है हर रोज़ राइड करना। और आज देखिए मैंने डबल शॉट और बड़ी सारी चाय मंगवाई है, नॉर्मली जो है ना इतना सारा कप आता है, तो मैंने ग्लास में मंगवाई है ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि हम मुझे अभी 200 किलोमीटर राइड करना है और मेरी कोशिश होगी कि मैं 6 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि उसके पास जो है ना फिर मुझे वाइल्ड कैंपिंग के लिए कुछ जगह ढूंढनी होगी, तो अगर 1-2 घंटे की लाइट होगी तो बड़े आराम से बंदा कर सकता है। तो बाइक उधर खड़ी है तैयार, चाय पीते और निकलते हैं। हाँ पे पीछे ट्रैक्टर वाला खड़ा हुआ है और उसने इशारा किया, लगता है कि उसको कोई मसला है। सलाम अलैकुम। सलाम आतिश वर मुसाकमत साकमा आतिश ओ तेरे खैर हो जे, एक सिगरेट के लिए इसने मुझे रोका था। ये नो नो ईरान ट्राबज़ॉन थैंक यू। बेसिकली मेरा कैंपिंग का ये आतिश है और इसको मैंने इधर रख लिया है क्योंकि बार बार लोग पूछते हैं आतिश, मैंने कहा ठीक है अभी तुझे आतिश चाहिए, अभी रिदम तोड़ दिया बंदे ने आतिश के लिए। चलो लेकिन खैर बेचारा इंतज़ार कर रहा था। हमने जिस सिटी की तरफ जाना है उसे कहते हैं दोगो बायाजिद, ऐसे ही कुछ है उसकी प्रोनाउंसिएशन। इसका नाम है आई थिंक जहाँ पे अभी है इसका नाम है एगदीर। एक्चुअली मैंने अब सिटी की तरफ राइड करने के बजाय अपनी गाड़ी जो है अपनी बाइक मोड़ ली अंदर की तरफ, छोटा सा 1-2 गांव आ रहे हैं या छोटे छोटे से झोंपड़ियाँ टाइप हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर आस पास में कहीं कैंपिंग करते हैं, क्योंकि अगर मैं सिटी की तरफ आगे चला गया तो बाद में मुझे कैंपिंग साइट्स वगैरह नहीं मिलनी, और यहाँ से माउंटेन का व्यू भी अच्छा है। बस सिर्फ एक मसला है कि मुझे पानी चाहिए क्योंकि मेरे पास जो पानी है वो सिर्फ मेरे ख्याल में 0.5 लीटर है, तो आगे देखते हैं आगे को मुझे कोई किसी घर वाले से पूछ लेते हैं अगर कोई इधर पानी की फैसिलिटी है तो, या ख़रीद लेते हैं कहीं से। और मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्चुअली जा किस तरफ रहा हूँ, ये रोड तो मुझे उधर लेके जा रही है अंदर गांव की तरफ, गांव से थोड़ा सा हट के करनी है यार। सोच रहा हूँ इधर सामने की तरफ निकलते हैं, ये एक छोटी सी रोड जा रही है और इधर वो जॉइंट पे घर है ना वहाँ उनसे पूछूंगा। यहाँ पे कोई है बंदा खाली, मैं सोच रहा था ये घर है, वो आगे घर की तरफ चलते हैं, वो नज़र आ रहे हैं ना जो। यहाँ पे खड़ी करते हैं, देखते हैं ये सामने वाला घर जो है ना इसका खुला हुआ गेट, यहाँ से मुझे मिल जाए पानी। तो ये सामने से लोग निकले, इनसे पूछता हूँ, इनका मोबाइल से ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि मुझे पानी चाहिए।
और कैंपिंग की इजाज़त है इधर कि नहीं? सलाम अलैकुम। वो अपनी तरफ से मुझे चाय पूछ रहे हैं बेचारे, और मुझे सिर्फ पानी चाहिए मैं ना, ताकि अपने साथ ले जाऊं। वो सोख तो लगता या सोख वो सू सोख या इज ओके सू देखे जिस या जाख सू से जाख सू देखे जिस दोसे ओके मुझे नहीं समझ आए या इज ओके अच्छा बना दीजिए खैर मुझे तो हाँ برارم بالا خب دندر تشکر یا چای الو شیدن گیرد حسن یا یا برام یا وہ تو چای لے کے آگئے ہیں تشکر یار بہت اچھے لوگ تو ابھی چائے وغیرہ ان سے پیئے हेलमेट मुझे उतारना पड़ा क्योंकि कैमरा हेलमेट के साथ लगा था इसलिए उतार दिया। अच्छा हुआ कि मैं निकला जल्दी कि मैं बाइक बंद करना भूल गया था, ये ना इससे पहले बैटरी ख़त्म हो जाए। शुक्र अभी यहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं इस तरफ लेफ्ट की तरफ जो एक ट्रैक मुझे नज़र आया था और बस वहाँ पर कहीं पर कैंप लगा लेते हैं क्योंकि सारी जगह सेम है फ्लैट है। ये वाला हाँ ये वाला वो आगे थोड़ा सा मुझे ग्रीन एरिया नज़र आया वहाँ पे ट्राई करते हैं, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। चलें अब जल्दी से सामान निकालें क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट हो रहा है। कैमरा जॉनी जॉइन तो सें तशक्कुर बहुत अच्छे लोग हैं मुझे कहते हैं कि आप आ जाओ हमारी तरफ और वहाँ जाके स्टे करें। मैंने कहा नहीं यार मैंने कैंप में स्टे करना है तो इधर पास ही बैठ गए और अभी जो है थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करते हैं और उसके बाद कुछ खाने पीने का करते हैं। इनसे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हेलो आई नहीं कर सकता, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की लेकिन ना उनको मेरी समझ आती ना उनको मेरी आती ना उनकी मुझे आती है। लेकिन अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर आप कैंप कर सकते हो तो अभी कुछ अपना सामान वगैरह अंदर करते हैं और फिर खाने का कुछ करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते इसलिए मुझे अंदर जल्दी जाना होगा।